स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। ये आज हम लेकर आए हैं 11 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट, टॉपिक है सरल लोलक का आवर्तक। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है विनी विश्लेषण से सरल लोलक के आवर्त काल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब इसमें विनी विश्लेषण क्या है, विनी सूत्र, विनी सूत्र का विश्लेषण करना। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, विनी सूत्र क्या होता है। विनी सूत्र क्या होता है, जैसे कोई मतलब विमी सूत्र वह सूत्र है जो किसी भौतिक राशि के मात्रक को उसके जो मूल मात्रक है उसके घातों में लिखते हैं, उसको बोलते हैं विमी सूत्र। उसको विश्लेषण, विमी विश्लेषण से इसका व्यंजक ज्ञात करना, सरल लोलक का आवर्तकाल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, मान लो टी प्रोपोर्शनल टू एल ए जी बी। ठीक है, इसमें क्या है, जो एल है वो क्या है, प्रभावकारी लंबाई है, और जो जी है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, और जिसमें ए और बी क्या है, अचर राशि है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू को हटाने के लिए कांस्टेंट के यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू के एल ए जी बी। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ए और बी क्या है, अचर राशि है। तो उसके बाद जो तो टी है, मतलब टी आवर्त काल, इसकी विमाएं क्या होती है, टी मान ली है यहाँ पर, और उसके बाद एल जो प्रभावकारी लंबाई है उसकी विमाएं क्या होती है, एल होती है। ठीक है, उसके बाद जो जी है गुरुत्वीय त्वरण की विमाएं क्या होती है, एल टी इनवर्स, मतलब एल टी स्क्वायर में माइनस टू। ठीक है, उसके बाद इसको जो पूरे विमान है उसको जो यहाँ पे देखना है, टी इक्वल टू के एल ए जी बी, तो इसका विमान को इसमें रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो आगे देखते हैं क्या होता है, टी इक्वल टू के एल ए जी बी, तो उसका वैल्यू पूरे विमान में यहाँ पे रख देते हैं, क्या होगा, टी इक्वल टू एल ब्रैकेट में ए पावर में ए रहेगा, उसका इनटू एल टी इनवर्स, सॉरी एल टी होल स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट क्लोज बी। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, पहले देखते हैं कि इसमें दोनों साइड देखते हैं कि एल और टी है, इसमें टी है एल है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको एल जीरो लिख सकते हैं, तो एल जीरो टी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो इसमें ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या हो रहा है, एल ए प्लस बी, यहाँ का एल बी इधर है, उसके बाद टी माइनस टू बी एल इंटू होकर। उसके बाद देखते हैं विमी समांगता के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू जीरो होता है। इसको और क्या लिख सकते हैं, माइनस टू बी इक्वल टू वन, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, तो इसका जो b का वैल्यू है उसको इक्वेशन सेकंड में रखने पे a का वैल्यू निकल जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, a माइनस हाफ, b का वैल्यू है माइनस हाफ, यहाँ पे a माइनस हाफ हुआ, उसके बाद ये क्या होगा, a का वैल्यू क्या मिल जाएगा अपन को, a इक्वल टू हाफ। तो समीकरण एक में a और b का मान रखने पर फर्स्ट इक्वेशन में k इंटू एल ए जी बी, a और b का वैल्यू रखने पर क्या मिलेगा, t इक्वल टू k इंटू एल हाफ जी माइनस हाफ। ठीक है, तो जो माइनस हाफ है उसको क्या कर सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, k एल हाफ अपॉन जी हाफ। इसको और क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू के एल अपॉन जी टोटल का ब्रैकेट उसके बाद हाफ, और इसको क्या लिख सकते हैं, जो दोनों हैं अपॉन में उसको एक साथ ब्रैकेट क्लोज करके हाफ लिख सकते हैं होल स्क्वायर में। उसके बाद क्या होगा, इसको हाफ को हटाने के लिए अंडर रूट का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। ये क्या है, सरल लोलक का आवर्त काल है। इसको हम लोग किससे, इसका व्यंजक किससे प्राप्त किए, विमी विश्लेषण से। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है, आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है।